नमस्कार। जैसा कि आप थंबनेल में देखे हैं या फिर बोर्ड पे देख रहे हैं कि हमको एक इस तरीके का रेक्टेंगल दिया हुआ है जहां पे तीन सर्कल सेट किए हैं और तीनों सर्कल का जो डायमीटर है वो हमको दिया हुआ है और क्वेश्चन ये है कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो चलिए इस सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास तीनों सर्किल की डायमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर इसको सोल्व करते हैं तो देखिए यहां से इसका रेडियस निकालेंगे, इसका रेडियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस निकालेंगे तो क्या होगा 2 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसी रेडियस का उपयोग करेंगे। तो देखिए मैं क्या करता हूं कि यहां पे ये जो चार ये है ये हमारा 4 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, मैं यहां से एक लंब डालता हूं, यहां से एक लंब डालता हूं यहां पर इसके ऊपर। तो यहां पे ये जो रेडियस है, यहां पे ये जो रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो यहां पे भी ये क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां से यहां पर जो रेडियस दी है वो हमारी क्या है 3 सेंटीमीटर, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला 1 सेंटीमीटर हो गया। अब यहां से यहां तक की दूरी, क्योंकि ये इसका क्या है रेडियस है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और ये यहां से ये रेडियस, यहां से ये रेडियस, ये कितना है ये 3 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो टोटल है, टोटल ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं कि यहां बिंदु ये O मान लेते हैं, इस बिंदु को O डैश मान लेते हैं, और क्या करते हैं O और O डैश की दूरी ज्ञात करते हैं। तो देखिए O और O डैश के बीच की दूरी क्या होगी वो हमको ज्ञात करनी है। अब यहां पे ये एक क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज में ये यहां करण हो जाएगा और ये दोनों भुजाएं क्या होंगी आधार और लंब होंगी, और हमको ये दूरी ज्ञात करनी है तो इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा देंगे, यानी कि क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार समकोण त्रिभुज में आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हमको इनमें से एक ज्ञात करना है, मान लो आधार ज्ञात करना है, आधार का स्क्वायर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे करण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देंगे, यानी कि करण कितना हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर और लंब कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 1, यानी कि √24। √24 को हम क्या लिख सकते हैं, √24 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 4 × 6, यानी कि 2√6। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस क्या आ गया, ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया 2√6, ये वाला डिस्टेंस आ गया। ठीक है, इसके बाद में सेम यही काम मैं यहां पर करता हूं। तो देखिए मैं क्या करता हूं कि यहां से यहां तक की दूरी हमारे पास क्या है टोटल, यहां से यहां, यहां मान लो कि ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी क्या है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका डाया इसके बराबर होगा, टोटल 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं यहां से एक लंब डालता हूं, यहां से एक लंब डालता हूं इस तरीके से, यहां से मैं लंब डालूंगा तो यहां पे देखिए ये कितना हो गया, इतना यहां से लेकर यहां तक ये 1.5 सेंटीमीटर, 1.5। ठीक है, 1.5 हो गया। अब 1.5 ये इसलिए हो गया क्योंकि ये जो 3 सेंटीमीटर का डायमीटर का हमारा सर्किल है उसकी रेडियस क्या है 1.5। अब यहां से यहां तक, यहां तक क्या है ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या है क्योंकि इसका जो डाया है वो 4 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 4। तो अभी हमारा टोटल यानी ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा टोटल है हमारा 6 में से हमारा 1.5 हिस्सा ये कट गया और 4 हिस्सा ये कट गया इसका, तो हमारे पास क्या बच गया 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला जो एरिया होगा वो हमारा क्या होगा 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस ये वाला जो सर्किल है जो 4 सेंटीमीटर का सर्किल है, 4 cm वाला जो डाया का सर्किल है उससे मैं यहां पे एक करेक्ट करता हूं, तो इसको क्या ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा ये क्या हो गया 1.5,
और ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है जो कि कितना है, दो दो सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 3.5, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या हो गई, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये इसका कर्ण हो गया, ये इसका कर्ण हो गया, और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, जिसमें ये 2 सेंटीमीटर का ये डाया है, 2 सेंटीमीटर ये डाया है, प्लस 0.5 का ये हिस्सा है। तो टोटल ये हिस्सा कितना हो जाएगा, यहां से ये हिस्सा हमारा हो जाएगा कितना, 2.5। ठीक है, और ये हो गया 3.5। तो अब देखिए, अब हम ये वाला पॉइंट जो है, यानी कि इसको मैं ए डैश मानता हूं, तो ए और ए डैश यहां पे कितना दूरी हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा, ए और ए डैश, यहां से ए ए डैश, ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। तो मैं इसको याद करता हूं, ठीक है, एक हिस्सा हमारे पास ये आ गया। दूसरा हिस्सा देखिए, ए और ए डैश में याद करूंगा तो कैसे होगा, ये इसका कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर, करंट का स्क्वायर, और बाकी जो दूसरी बची हुई भुजा है उसका स्क्वायर, यानी कि 3.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर, यानी कि ये वाला हिस्सा 2 यहाँ पे है और 0.5 ये वाला हिस्सा, तो टोटल कितना हो गया, 2.5। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाली भुजा आ जाएगी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12.25, ये कितना हो जाएगा 6.25, यानी कि ये कितना हो गया 6, यानी कि ए ए डैश का स्क्वायर, तो ए डैश कितना हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 6, यानी कि ये वाला हिस्सा हो गया हमारे पास अंडर रूट 6, ये वाला हिस्सा जो कि हमने यहां से यहां तक ज्ञात किया था वो किसके बराबर है, ए डैश, ये जो है किसके बराबर है, ए डैश बी के बराबर, 2 अंडर रूट 6। ठीक है, और ये वाला हिस्सा हमारे पास कितना हो गया, ए ए डैश, ए ए डैश, ये कितना हो गया अंडर रूट 6। अब हमारे पास ए बी, ए बी क्या हो जाएगा, ए डैश बी प्लस ए ए डैश, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, यानी कि 3 अंडर रूट 6, 3 अंडर रूट 6, 3 अंडर रूट 6 का मान कितना हो जाएगा, 3 इंटू अंडर रूट 6, अंडर रूट 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 7.34। ठीक है, ये कैसे आएगा, 3 इंटू 2.45 जो कि यहाँ पे अंडर रूट 6 का मान है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या मान आ जाएगा, 7.34। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि इस जो हम क्वेश्चन दिया गया था उसमें ए और बी के बीच की दूरी हमने कैसे पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके निकाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।